कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में चैप्टर 2 तक के सभी क्वेश्चंस है डाउट्स सब क्लियर हो चुके थे। आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 है हमारे पास डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। देखिए डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है। ए डबल इंटीग्रल इज़ ए काउंटर पार्ट इन टू डायमेंशन ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है, उसका हमने क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब कि अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स जो होंगी वो फाइनाइट लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है, उसके हमारे टू डायमेंशन के अंदर। जैसे ये हमारे पास में आर दिखाया हुआ है, तो ये जो आर होगा, आर के अंदर ये जो एलिमेंट्स होंगे उनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हम जोड़ेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी जो हम जोड़ेंगे तो वो टू डायमेंशन में हो जाएगी। काउंटर पार्ट क्या होगा कि इसको जब मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, छोटे छोटे जो मैं टुकड़े लेकर चल रही हूँ वो क्या हो जाएंगे, काउंटर पार्ट हो जाएंगे। देखिए अब जैसे ये टुकड़ा उठाया है, ये टुकड़ा उठाया है, तो सेम रीज़न में से, ठीक है ना, है तो सेम रीज़न के अंदर से वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हो जाएंगे। लेट ए सिंगल वैल्यूड एंड बाउंडेड फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा, सिंगल वैल्यूड जो एक वेरिएबल पर एक ही वैल्यू दे, एंड बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई लेके चलते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई का, किसी क्लोज्ड रीजन आर के अंदर जो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। मैंने क्या करना है, इस जो रीजन आर है उसको मैंने एन सब रीजन में तोड़ना है, जिनका एरिया क्या है, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, अप टू डेल्टा ए एन। ये छोटे छोटे जो टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये वो बोल रहा है कि ये आर रीजन, एन रीजन लिए हुए हैं, छोटे छोटे जो मैं आपको ये दिख रहे हैं चेक के अंदर, ये सब एक्स आर वाई आर कोई भी पॉइंट उठा लो, एलिमेंट्री एरिया डेल्टा आर। मैं मान लेती हूँ ये जो ब्लैक मेरे पास बोल्ड स्पॉट है, ये मैंने एरिया उठा लिया डेल्टा ए आर, और इसके बीच में ये जो सिंगल पॉइंट है ये क्या ले लिया मैंने, एक्स आर वाई आर कोऑर्डिनेट ले लिया इस पॉइंट के। अब मैं सम कंसिडर कर रही हूँ। देखो सम कैसे कंसिडर करना है कि फंक्शन की वैल्यू इनटू में क्या लेके चलना है हमने, जो हमारे पास में एरिया है, एलिमेंट्री एरिया, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, और एक्स वन वाई वन के रिस्पेक्ट में ए वन एरिया ले लिया, फिर ले लिया फंक्शन हमारे पास में वेरिएबल एक्स टू वाई टू, और एक्स टू वाई टू के रिस्पेक्ट में क्या ये हो जाएगा, डेल्टा ए टू, प्लस में ए एन, देखिए एन रीजन्स है तो एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, और एक्स एन वाई एन के रिस्पेक्ट में कितना कौन सा एरिया है, डेल्टा ए एन। अगर इस समेशन को मैं लिखूँ, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, लेट किया है, क्या सम लेट किया है कि फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू और इनटू में उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एरिया, ठीक है, प्लस में फिर एफ ऑफ एक्स टू वाई टू और फिर डेल्टा ए टू, प्लस अप टू क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन और फिर डेल्टा ए एन। इसको अगर मैं समेशन में लिखूं, देखो समेशन यहाँ से तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स आर वाई आर ले रही हूँ, और डेल्टा क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। आर की वैल्यू कहाँ से जा रही है, ज़ीरो से लेके एन तक जा रही है। मैंने इसको क्या कर दिया, समेशन में लिख दिया, तो वो क्या बोल रहा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ दी सब रीजन्स इनडेफिनेटली बाई टेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एलिमेंट्री एरियाज। देखिए जैसे ये एरिया है, अगर मैं इसके 100 टुकड़े कर रही हूँ तो मैं समेशन 1 से 100 तक लेके चल रही हूँ, अगर लेकिन मैं 200 टुकड़े करूँगी तो एरिया क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे उतने ज़्यादा एरिया क्या होते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे। तो वो बोल रहा है क्या, द लिमिट ऑफ द सम वन, यानी कि इस समेशन के जो लिमिट होगी जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें हम लोग, यानी इनफाइनाइट टुकड़े लेके चलें इस डेफिनेट रीजन के, इस फाइनाइट रीजन के इनफाइनाइट टुकड़े लेके चलेंगे, तो उसके जो जितने भी है छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे उनका एरिया किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। देखिए अब जैसे हमारे पास में कोई भी एरिया गिवन है, ठीक है, हम क्या करते हैं उनके टुकड़े करते हैं। अगर मैं टुकड़े कम लूँगी, 10 टुकड़े लूँगी तो मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे 100 पीसीज ले लेती हूँ तो जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट लेके चल रही हूँ, इनफाइनाइट में एरिया किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा, बिल्कुल मामूली से टुकड़े हो जाएंगे। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि अगर मैं एन को, यानी कि नंबर ऑफ रीजन इन्फिनिटी ले लूँ, तो ये जो डेल्टा एयर वाला जो रीजन है ना, डायमेंशन है, ये क्या चली जाएंगी, जीरो को टेंड करी जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास में समेशन हट के क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल हो जाएगा। क्योंकि जो डी ए होगा, देखिए एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें एक्स का भी आ जाएगा और वाई के भी रिस्पेक्ट में
जैसे हम कोई रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या लेके चलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड लेके चलते हैं ना, तो एरिया अगर मैं पीसीस का निकाल लूँगी तो वो भी क्या जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स के रिस्पेक्ट में समेशन जो है वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रल के अंदर, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा। तो हमारे पास तो एक तो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक वाई के रिस्पेक्ट में, दिस इज़ कॉल्ड डबल इंटीग्रल। जब हमारे पास कोई डेफिनेट रीज़न, देखिए समेशन को इंटीग्रेशन में हम कब चेंज करते हैं, जब हम कोई छोटे छोटे पार्ट्स लें, पहले हम एक रिज़ल्ट एन के लिए दिखा दें और फिर कह दें कि अगर वो रिज़ल्ट इनफाइनाइट पीसीस के लिए मैं अप्लाई करूँगी तो वहाँ पे जो समेशन है वो चेंज हो जाता है किसमें, इंटीग्रेशन के अंदर। दरअसल इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है हमारे पास देखिए डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए किसके इक्वल होगा, देखिए ये समेशन के ऊपर लगाया था, पहले समेशन लिखेंगे, आर इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर। और अब देखिए जहाँ पे मैंने बोला था कि एन टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी, लिमिट लगी, अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी तो डेल्टा ए आर किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को, क्योंकि ये जो टुकड़े होंगे ये और भी ज़्यादा छोटे होंगे और जीरो को क्या कर जाएंगे, टेंड कर जाएंगे। तो डबल इंटीग्रल को मैं लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, अभी मैंने जो समेशन में लिखा कि डबल इंटीग्रल ओवर आर फंक्शन की वैल्यू साथ में एलिमेंट्री एरिया किसके इक्वल होगा, देखिए पहले समेशन की वैल्यू क्या थी, आर सॉरी वन टू एन एफ ऑफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, एन को तो टेंड करवा रही हूँ इन्फिनिटी को, अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो डेल्टा ए आर किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, जितने ज़्यादा पीसीज उतना छोटा एरिया। नेक्स्ट देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स वाई पॉजिटिव है, ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो जो डबल इंटीग्रल है ना ये वाला सेकंड के अंदर, इसको मैं कह सकती हूँ मास, अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इस डबल इंटीग्रल को मास यानी कि वजन बोल सकती हूँ, ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ एरिया ए, जिसका एक कोई भी ए मतलब यूनिफॉर्म प्लेट आपको पता होगा बिल्कुल स्मूथ होती है, कहीं से कोई मोटी पतली नहीं, एक फाइनाइट थिकनेस की पतली सी एक यूनिफॉर्म प्लेट का एरिया होगा जिसका मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई, और जो मास होगा एलिमेंट होंगे उसके जो अंदर के एलिमेंट होंगे वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स आर इंटू में डेल्टा ए आर, यानी कि एलिमेंट्स का मास तो हम इससे दिखाएंगे, एलिमेंट्स का मास तो ये हमारे पास में एफ एक्स आर डेल्टा आर, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ये जो डबल इंटीग्रेशन है ना एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, ये तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लेट हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्लेट, ठीक है, और जो उसका एलिमेंट्स जो टाइप, जैसे कि ये प्लेट होगी और इसके अंदर के छोटे 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 टुकड़े जो होंगे, और उन एलिमेंट्स मास ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर, जो कि हमारा ये है, टुकड़ों का तो वजन ये होगा और प्लेट का वजन ये हो जाएगा, यानी इन दी सेंस कि पहले हमने क्या किया है, प्लेट्स के टुकड़े किए हैं, उनका मास कलेक्ट किया है, जोड़ा है और हमें मास ऑफ दी प्लेट मिल गया, ये है इसका कहने का मतलब। नेक्स्ट में देखिए, लिमिट्स ऑफ द सम फर्स्ट यानी कि ये समेशन, ये अगर एग्जिस्ट करता है यानी कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो या पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो, तो ये समेशन क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए इसी में यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बिल डबल इंटीग्रल के लिए बिल्कुल सेम होती है, जैसे कि अगर मैं दो फंक्शंस को ऐड कर रही हूँ और सेम रीज़न पे लगा रही हूँ तो वो अलग अलग से खुल जाते हैं, और जो रीज़न की लिमिट है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, टूट जाती है, जैसे लेके चलते हैं ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो फिर जीरो टू इन्फिनिटी, तो ऐसे ये भी टूट सकती हैं बीच में से। नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करें, देखिए If R is a region bounded by the curve, देखिए क्या बोल रहा है, R कोई रीजन है, कर्व्स कौन कौन सी हैं, y is equal to f1x, y is equal to f2x, ये दो कर्व दे दी, x is equal to x is equal to b, ये दो लाइन्स दे दी, तो वो बोल रहा है डबल इंटीग्रल को मुझे ऐसे शो करना है जहाँ पे इंटीग्रेशन सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू y परफॉर्म करना है और x को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, मुझे ये वैल्यू लेके आनी है। देखिए सबसे पहले हमने क्या करते हैं, फिगर 3.2 बनाई है, एक्स एक्सिस होगी y एक्सिस होगी, ठीक है, उसके बाद मैंने ये रीज़न ले लिया, y1 ये हो जाएगी, y2 ये होगी, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, मैंने क्या किया है, x एक्सिस y एक्सिस ले ली,
एक मैंने वाई वन, ये है हमारे पास में वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स, एक मेरे पास ये कर्व होगी, ठीक है। सेकंड कर्व में क्या लेके चल रही हूँ, ये लेके चल रही हूँ, और ये हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू एफ टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए ये वाली लाइन हो जाएगी, एंड एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास में ये वाली लाइन होगी। यानी कि मुझे ये वाला बीच का एरिया निकालना है, ये वाले एरिया फाइंड आउट करना है। मैं क्या करती हूँ इस रीज़न को, सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलल जो लाइंस हैं उनमें कन्वर्ट कर देती हूँ, यानी कि बांट देती हूँ वर्टिकल लाइंस में। मैंने इनको वर्टिकल लाइंस में बांट दिया, ऐसे टुकड़े कर लिए इनके, ठीक है। वर्टिकल लाइंस के अंदर बांटने के बाद ये मेरे पास रीजन को मैंने क्या किया, नेटवर्क लाइंस के अंदर बांट दिया इन टू ए रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स ऑफ विड्थ एच एंड हाइट के, कि जो हमारे पास में जो वो होगी हाइट होगी, यानी कि लंबी हैं वो एच हैं और जो मोटी हैं वो कितनी हैं के हैं, इनके बीच के डिस्टेंसेज के ले लिए, ठीक है। एक्स आर वाई आर कोई भी पॉइंट ले लिया किसी आरथ रेक्टेंगल के अंदर। देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया है, ये सबसे पहले हमने बांट दिया, ठीक है, लंबी लाइनें खींच दी, उसमें से कोई एक, कोई भी एक उठा लेते हैं हम, एक एक हमने क्या करी, स्ट्रिप उठा ली और उसके अंदर रेक्टेंगल्स बना लिए, यानी कि सेम विड्थ के रेक्टेंगल्स बना लिए, ठीक है। जिसकी हाइट तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, विड्थ तो क्या हो जाएगी के, हाइट क्या हो जाएगी एच, ये हमने रेक्टेंगल इस टाइप से बना ली जिसकी हाइट तो एच है और विड्थ क्या है के है, सेम सेम से रेक्टेंगल है इसके अंदर। अब वो बोल रहे हैं इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं, हम एक्स आर वाई आर ले लिया, कोई भी आर एथ रेक्टेंगल ली और उसमें से एक्स आर वाई आर हमने क्या उठा लिया, पॉइंट उठा लिया। तो अभी हमने पीछे आपको करवाया था कि डबल इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स वाई डी ए किसके इक्वल था, लिमिट एक्स एस टेंड टू जीरो के टेंड्स टू जीरो दिस। देखिए जो डबल इंटीग्रल अभी हमने किया वो क्या आया था, कि जो डबल इंटीग्रल है हमारे पास ओवर आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए किसके इक्वल था, कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और डेल्टा ए आर टेंड्स टू जीरो समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर, ये था, ठीक है। ये तो था हमारे पास में का सभी के सभी, मतलब जितने भी वो किए हुए हैं एलिमेंट्स को ऐड करने पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ कि डेल्टा ए एक की निकाल रही हूँ, सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट निकाल रही हूँ एक्स आर वाई आर, और एक्स आर वाई आर के अबाउट विड्थ दे दी एक्स, विड्थ यानी कि चौड़ाई दे दी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एच डिस्टेंस हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग के डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो वहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगी, देखिए डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, जो लिमिट है सिर्फ वो एक पे लगाई है, तो एच यानी कि जो उसकी हाइट है वो भी टेंड्स टू जीरो हो जाए, विड्थ भी टेंड्स टू जीरो हो जाए, समेशन एफ ऑफ एक्स आर वाई आर और एच इन टू की, बस मैंने डेल्टा आर की जगह क्या कर दिया, एच के डाल दिया। अब डेल्टा टेंड्स टू जीरो है तो एच और के दोनों भी जीरो को टेंड कर जाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की बात चलिए ना, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ इन टू ब्रेथ, लेंथ कितनी है एच, ब्रेथ कितनी है के, तो एरिया क्या हो जाएगा एच इन टू के, और लिमिट क्या लगा दी वहाँ पे, के टेंड्स टू जीरो और एच टेंड्स टू जीरो। यानी अगर मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ और समेशन लगा दूँ तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, यही बोल रहा है वो, जो समेशन है वो सभी के सभी एलिमेंट रेक्टेंगल जितने भी है, जैसे एक स्ट्रिप में दिखाए हुए हैं ऐसे सभी स्ट्रिप्स के मैं क्या करूँगी, रेक्टेंगल बना के उनका समेशन दिखा दूँगी। इन द एवेल्युएटिंग द लिमिट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर सम अप इज इन मटेरियल, वो बोल रहा है कि अब आप इसको कैसे भी सम अप कर सकते हो मटेरियल्स को, जैसे कि इसने क्या किया, रेक्टेंगल एक स्ट्रिप उठा के वर्टिकल लिया, आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, कैसे भी ऐड कर लो, आना तो क्या है एरिया ही है। इन वन केसेस, अब हम कोई एक केस उठा के लेके चलते हैं एलिमेंट रेक्टेंगल का, विल लाई वन अब इन अ वर्टिकल कॉलम, वो कह रहा है अब मैं वर्टिकल कॉलम में लेके चल रहा हूँ, कि मैंने एक कॉलम उठाई और उसके टुकड़े किए और इन रेक्टेंगल्स का सम लेके चल रहा हूँ। अब जो सम होगा, मान लो इनमें से एक रेक्टेंगल का सम निकाल लिया एफ ऑफ एक्स वाई एच के, ये ले लिया मैंने, अब इसका जो सम होगा वो पूरी की पूरी पट्टी का हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, इस वाई वन से लेके वाई टू के बीच में। देखिए वो क्या कह रहा है, दिस गिव्स इन वन केस वी कैन सम अप ओवर ऑल एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स, सभी के सभी रेक्टेंगल्स जो इस स्ट्रिप के अंदर हैं उन सब का सम लेना है जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं,
और ये जो सम होगा, ये सम जो है हमारे पास में एरिया होगा, ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स वाई एच के, ये जो सम होगा हमारा एफ ऑफ एक्स वाई एच के वाला पर्टिकुलर स्ट्रिप के ऊपर, ये पूरी की पूरी स्ट्रिप्स का देगा, यानी एक पूरी पट्टी का देगा। अब अगर मुझे पूरे एरिया का चाहिए तो मुझे स्ट्रिप वाइज लेनी है, पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, यानी पहली स्ट्रिप से लेकर लास्ट स्ट्रिप तक लेके चलनी है। ये तो ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये तो एक स्ट्रिप का एरिया है। अगर मैं इस लिमिट से एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक सभी रेक्टेंगल्स का सम लेके चलूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक्स आर वाई एस कोई भी पॉइंट लेती हूँ एस एथ रेक्टेंगल के अंदर आर एथ वर्टिकल स्ट्रिप, यानी इसमें से देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे जो रेक्टेंगल उठाई थी ये वाली, इसमें हमारे पास जो ये पॉइंट एक्स आर है वो तो फिक्स रहेगा और y ऊपर नीचे, देखिए यहाँ पे y चेंज, यहाँ पे y चेंज, y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ x r और y s कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ कोई भी, क्योंकि मैंने क्या करना है सबसे पहले इस पट्टी के अलोंग एरिया को कलेक्ट करना है, ठीक है। और इस पट्टी के अलोंग x r तो फिक्स है, y क्या है चेंज हो रहा है, तो इन्होंने ये किया है कि एक्स आर तो फिक्स कर दिया, वाई एस कोई पॉइंट ले लिया। और देखिए अब उसके ऊपर लिमिट कैसे लगेगी, देखिए जो ऊपर है हमारे पास पे एफ ऑफ एक्स आर वाई आर वो तो एज इट इज़ वाई आर की जगह वाई एस हो जाएगा। के हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, मतलब सॉरी के जो हमारे पास पे हाइट आ रही है लोग वाई एक्सिस होगी तो वो भी चेंज होगी। एच क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्स आर लेके चले हैं और एक्स के अलोंग जो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो एच हमारा बाहर आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से लाई कर रही है, आर इज इक्वल टू वन टू पी, क्योंकि पी है इसके अंदर हमारे पास में रेक्टेंगल्स, पी रेक्टेंगल्स की बात कर रहा है ना वो, कि पी रेक्टेंगल्स हैं आठ वर्टिकल स्ट्रिप में, तो आर इज इक्वल टू वन से लेके पी तक, एस इज इक्वल टू वन से लेके एम तक, ये लेटिंग की है, पी और एम हमने लेटिंग की है यहाँ पे, कि वो जो हमारे पास में एस वाई एस है वो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर अप टू वाई एम तक जा रहा है बस। देखिए उसने साफ साफ बोला ये जो चीज़ है उसमें कन्फ्यूज मत होइए, पी ले रहा है वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, एम ले रहा है वो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द आर एट ट्रिप। जो हमारे पास एरिया है देखिए, ये जो समेशन आ रहा है वो आर इज इक्वल टू वन टू एन लेके चलते थे एफ ऑफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर, उसको मैंने चेंज किया है समेशन एफ ऑफ एक्स आर वाई एस कर दिया, वाई एस मतलब एस क्या कर रहा है चेंज हो रहा है बार बार, के भी चेंज हो रहा है लेकिन एच चेंज नहीं हो रहा, एच क्या हो जाएगा एच फिक्स है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग क्या हो जाएगा डिस्टेंस फिक्स है। अब देखिए टोटल पी पट्टी हैं, पी जो हैं वो स्ट्रिप्स हैं और एम क्या है रेक्टेंगल हैं एक स्ट्रिप के अंदर, वन स्ट्रिप के अंदर एम रेक्टेंगल है, तो टोटल कितने हो जाएंगे एम पी हो जाएंगे। तो लिमिट क्या लगेगी इसके ऊपर, कि अगर मैं लिमिट लगा दूँ क्या, कि देखिए ये तो हमारे पास में डिस्टेंस तो जो एरिया वो तो जीरो जाना चाहिए और मैं जोड़ रही हूँ आर स्ट्रिप्स कितने जोड़ रही हूँ वन से लेकर सभी की सभी टोटल स्ट्रिप्स जोड़ दी, आर इज इक्वल टू वन से लेके पी तक स्ट्रिप्स जोड़ दी। उसके बाद मैंने क्या किया है फिर मैंने रेक्टेंगल जोड़े, रेक्टेंगल कहाँ से शुरू हो रहे हैं देखिए एस इज इक्वल टू वन टू एम लेके चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या चेंज हो रही है वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो एस कहाँ से चेंज होएगा वन से लेके एम तक। ये तो रेक्टेंगल का एरिया इनटू में फिर पट्टी का एरिया फिर उसकी लिमिट लगाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डबल इंटीग्रल किसका एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डी ए के। यानी कि ये कह रहा है सबसे पहले तो हमने इन रेक्टेंगल्स को जोड़ना है फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रिप्स से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है वही चीज़ यहाँ पे वो बोल रहा है कि फिर अब इन्होंने क्या किया देखिए, जो ये चीज़ हमारे पास पहले लिखी हुई है यही इसने दोबारा लिख दी, लिमिट एस टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो समेशन आर इज इक्वल टू वन टू पी एस इज इक्वल टू वन टू एम एफ ऑफ एक्स आर वाई एस के एच इज इक्वल टू। देखिए अब इन्होंने क्या किया, ये जो समेशन अंदर वाला है के वाला ये विद रिस्पेक्ट टू वाई चेंज हो रहा है, ठीक है विद रिस्पेक्ट टू वाई लिमिट कौन सी है वाई वन और वाई टू, ये एफ वन और एफ टू है तो वो क्या कर देगा लिमिट लगा देगा क्या एफ वन से एफ टू एफ ऑफ एक्स आर वाई, वाई तो चेंज हो रहा है और साथ में डी वाई एच एज इट इज़। यहाँ पे एफ वन एफ टू क्या है एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी रेक्टेंगल ना तो वाई टू से ऊपर जा रहे ना वाई वन से नीचे जा रहे,
अब हमने इसकी वैल्यू को इवेलुएट करना है। देखिए अब थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, हम इसकी देखिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी कोई ना कोई फंक्शन आएगी। मैं एफ ऑफ एक्स आर फंक्शन लेट कर लेती हूँ क्योंकि फंक्शन का इंटीग्रेशन फंक्शन होएगा, कॉन्स्टेंट लिमिट है, पुट कर दिया, एफ एक्स आर आ गया। अब ये एफ एक्स आर की वैल्यू यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए, ये समेशन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, समेशन दिस और एफ एक्स आर एच, ये बन जाएगा। देखिए अब जो भी एक्स आर एच ये जो फंक्शन है, ये जो एरिया है, उसको मैं अगर एस से मल्टीप्लाई करूँगी और लिमिट लगा रही हूँ क्या एच टेंड्स टू जीरो, यानी कि और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ इस एरिया को, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू बी चला जाएगा, क्योंकि एक्स की लिमिट कहाँ से लाई कर रही है, ए से लेके बी तक। एफ ओफ एक्स डी एक्स, एफ ओफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ वन एक्स जो यहाँ पे आई थी ना वो हम पुट कर देंगे, एफ वन टू एफ टू एफ ओफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यानी अगर आपको इंटीग्रल निकालना हो रीजन का तो आप कैसे निकालोगे, ए टू बी एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स एफ ओफ एक्स वाई डी वाई इंटू में डी एक्स। सबसे पहले तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, फिर एक्स को कॉन्स्टेंट लेके चलोगे। अगर सेम आपका आ जाए कि अब फंक्शंस वाई के रिस्पेक्ट में है, एक्स एफ वन वाई है, एक्स एफ टू वाई है और वाई के बीच में लिमिट्स है, तो वहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करोगे और वाई को क्या ट्रीट करोगे, एज ए कॉन्स्टेंट। सेम इसकी तरह चलेगा, बस इसमें वर्टिकल स्ट्रिप उठाई थी, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप उठाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है देखिए रिमार्क बड़े काम की है, वो क्या बोल रहा है, इन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय टू कर्व्स। जब हमारे पास इस टाइप के लूप बन जाएं, बंद कर्व बन जाएं, तो वहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेशन किस किस के बीच में हो जाएगा, वही सेम y इज इक्वल टू एफ वन एफ टू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी लाइक दिस, जो अभी हमने ये वाला किया है बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है देखिए नोट में क्या बोल रहे हैं, अगर y1 y2 फंक्शंस हैं x के और x1 x2 कांस्टेंट हैं, तो सबसे पहले तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, फिर x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। और अगर x1 x2 y के फंक्शन और y1 y2 कांस्टेंट है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे और फिर y के। लेकिन अगर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है, तो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हो, x के में भी और y में भी। ये है आर्टिकल आपके एक्सरसाइज 3.1 के। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान से हो जाएंगे हमारे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि नीडी बच्चे भी इसको देख सकें। थैंक यू सो मच।